Hey everyone, welcome to Educational Hike. This is Prem Pandey and today we are going to start a new chapter from class 8 NCERT Science, chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. इस particular chapter में हम बिजली के झटकों से खेलना सीखेंगे, जी हाँ, but before starting, let me tell you कि हमने already class 8 NCERT Science से chapter number 1 to chapter number 13 की videos upload कर दी है and मैंने एक separate playlist भी बना दी है class 8 NCERT Science का और class 8 NCERT English की line by line explanation का. आप उन playlist की जो link है ऊपर I button पे क्लिक करके देख सकते हो या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी. सिंपली क्लिक करके चैप्टर वाइज वीडियोस को देखिए. अब अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. हेलो लर्नर्स, अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए एनटीएससी का क्रैश कोर्स लेके आया हुआ है. इस क्रैश कोर्स को अनअकैडमी के टॉप टीचर्स लेंगे जिसमें आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी. इस पर्टिकुलर कोर्स में 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपको प्रिपरेशन करने में और भी ज्यादा हेल्प करेंगी. तो जल्दी करिए यार, ये कोर्स आज से ही स्टार्ट है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक को क्लिक करिए और क्लास को एक्सेस करिए. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देते हैं, जिन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. वहीं पर कुछ ऐसे भी मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते, जिन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. हमने ये तो पढ़ लिया कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें बिजली के झटके नहीं लगते. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि जो लिक्विड्स होते हैं, कई टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, जैसे हम कोको कोला पीते हैं वो अलग टाइप का लिक्विड हो गया, विनेगर, सिरका, वो अलग टाइप का लिक्विड हो गया, लेमन जूस, वो अलग टाइप का लिक्विड हो गया. तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्या लिक्विड्स में भी बिजली के झटके लग सकते हैं? तो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जब भी किसी भी लिक्विड में करंट पास आउट होती है ना, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ गए? देखो, फिर से समझ लो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से पास आउट कराते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है लिक्विड में. ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ प्रभाव पड़ते हैं, कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं और उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. योर एल्डर्स Might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hands. तुम्हारे घर के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने तुम्हें अक्सर मना किया होगा जब तुम कभी अपने गीले हाथों से टीवी के प्लग को लगा रहे हो या अपने गीले हाथों से किसी टीवी के या किसी एसी के स्विच को तुम बंद या ऑन कर रहे हो. तब तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें मना किया होगा कि ऐसे ना करो, तुम्हें बिजली के झटके लग सकते हैं. बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है वो क्यों मना करते हैं, क्यों ये खतरनाक हो सकता है कि हम अपने गीले हाथों से जब कभी भी स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है. क्यों हो सकता है ये हम आगे पढ़ेंगे. वी हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दें, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जैसे हमारा आयरन हो गया, आयरन, लोहा, लोहा में बिजली उतरती है कि नहीं उतरती, तो हम इसे क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, इसलिए हम इसे भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. कॉपर, कॉपर भी ऐसा मटेरियल है जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं आसानी से, इसलिए हम इसे भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. तो ये जो तीनों मटेरियल्स हैं, ये तीनों मटेरियल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज कह लो या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, उसको पास करा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड,
वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करेंट्स को पास नहीं होने देते हैं आसानी से, और इसी के लिए हम इन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हमारा रबड़ हो गया, आप कभी भी रबड़ के ग्लव्स पहन लो और फिर किसी भी बिजली के तारों को टच करो, देखो आपको कभी भी करंट के झटके नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि रबड़ हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा जो वुड है, लकड़ी, लकड़ी भी हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक ऐसा मटेरियल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एक और नाम देते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इंसुलेटर्स का काम क्या होता है, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स को पास नहीं होने देते। समझ गए? इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर। इन फिगर 14.1 में आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा टेस्टर हमने क्लास 6 में बनाया था। क्लास 6 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिस एक्टिविटी में हमने कुछ ऐसा टेस्टर बनाया था, और टेस्टर का काम क्या होता है, टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। चलो टेस्टर की यूज समझ लो कि टेस्टर किस लिए यूज होता है। तो इस 3 लाइन में यही बताया गया है कि टेस्टर हमें ये बताता है कि किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है या नहीं हो सकती। कैसे बताता है? जैसे देखो, ये पूरा, ये जो दोनों है, ये दोनों टेस्टर है, और टेस्टर हमें बताएगा कि कोई भी मटेरियल जो यहाँ पर मटेरियल यूज हो रहा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे? चलो हम देखते हैं। इस आप देख रहे हो यहाँ पर एक बल्ब लगी हुई है और एक बैटरी लगी हुई है, और ये बैटरी का एक तार और इस बल्ब का एक तार यहाँ पर आके अटैच है, ठीक है। अब अगर ये वाला जो मटेरियल है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो बल्ब हमारी जल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोहा हो गया, यहाँ पर अल्मोनियम, यहाँ पर कॉपर हुआ, तब तो ये बल्ब जल जाएगी और हम कहेंगे कि ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये जो पूरा टेस्टर है ये हमारा टेस्टर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ये पूरा टेस्टर हमें बता रहा है कि ये जो मटेरियल है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं पर अगर ये जो बल्ब का वायर है और ये जो बैटरी का वायर है वो किसी ऐसे जगह पर अटैच हो, जैसे किसी प्लास्टिक से अटैच हो, किसी वायर, किसी रबड़ से अटैच हो या किसी लकड़ी से अटैच हो, तो हम देखेंगे ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये मटेरियल है ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स को पास आउट नहीं होने देते हैं। तो ये भी जो टेस्टर है हमारा सक्सेसफुल हुआ। कैसे? क्योंकि इस टेस्टर से हमने प्लास्टिक में लगा दिया था। ये देखो, ये जो दोनों तार है वो कहाँ पर अटैच किए गए हैं, ये प्लास्टिक में अटैच किए गए हैं, और प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट तो आता नहीं है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। समझ गए? तो टेस्टर कैसे काम करता है, टेस्टर हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटेरियल सच एज रबड़, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने जब यहां पर इस पूरे जो पूरा टेस्टर है हमारा, इस टेस्टर में लेट मी मेक इट क्लियर, ये जो पूरा टेस्टर है हमारा, इस टेस्टर में जब हमने एल्युमिनियम को रखा, जब हमने कॉपर को रखा, जब हमने आयरन को रखा, तो हमने देखा ये बल्ब जल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम के पदार्थ होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब हमने प्लास्टिक को लगाया, हमने रबड़ को लगाया, हमने लकड़ियों को लगा के देखा, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है, और इसकी वजह से हमें पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक्स, वुड, रबड़, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता है। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. लेकिन अभी तक ना हमने क्या किया है, हमने केवल उन्हीं materials को test किया है जो solid form में थे, जो ठोस पदार्थ थे, जैसे plastic solid है, rubber सॉलिड है, वुड सॉलिड है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब सॉलिड होते हैं। तो हमने अब तक केवल सॉलिड मटेरियल्स को ही चेक किया है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और कुछ सॉलिड के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन
वॉट अबाउट लिक्विड्स? आपने कभी सोचा है कि क्या लिक्विड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है? क्या बिजली उतर सकती है पानी में? ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलो, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहली और बूझो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? पहली एंड बूझो वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और फ्रॉम अ जनरेटर और अ इन्वर्टर। अब यहां पर बूझो और पहली तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी आप जब इन चैप्टर्स में बताए गए एक्टिविटीज को करो ना, तो कभी भी जो हमारे घरों की मेन लाइन होती है, जो खंभे से आई होती है, जो पोल से आई होती है, या जनरेटर की डायरेक्ट लाइट या इन्वर्टर की डायरेक्ट लाइट से हम इन एक्टिविटीज को नहीं करते, क्योंकि खतरा भी हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट भी मार सकता है। और चूंकि जो मेंस की लाइट होती है वो काफी तगड़ी होती है, तो यार बहुत बुरे झटके लगेंगे। इसलिए कभी भी ट्राई नहीं करना। आप क्या कर सकते हो? यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स जानते हो, जैसे ये होते हैं ना, ये बैटरीज दिख रही हैं, इन बैटरीज का तुम यूज कर सकते हो, समझ गए? क्यों? क्योंकि इनमें पावर कम होता है, इनमें इलेक्ट्रिक झटके नहीं लगते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्या लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिक करंट आ सकती है या नहीं आ सकती? यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। अगर हमें पता करना हुआ कि लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक करंट आती है या नहीं आती, उसके लिए हम यही जो ये टेस्टर हमने क्लास सिक्स में बनाया था, इस टेस्टर का हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमने अलग अलग सॉलिड्स, यहाँ पर ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, यहां पर हमने अलग अलग सॉलिड्स को लाकर रखा और देखा अगर बल्ब जल रहा है तब तो ये जो सॉलिड है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर यहीं पर बल्ब नहीं जल रहा तो ये सॉलिड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेम इसी तरीके से इस सॉलिड को हटा के हम यहां पर अलग अलग लिक्विड रख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि अगर बल्ब जलता है तो वो लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर वहीं पर बल्ब नहीं जलता तो ये जो लिक्विड यहां पर हम इस सॉलिड की जगह पर लगाएंगे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलो हम आगे पढ़ते हैं, बट मैंने यहां पर आपको बता दिया कि कैसे हम लिक्विड्स को टेस्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहां जहां पर ये स्क्रू ड्राइवर लगा है ना, यहां पे स्क्रू ड्राइवर हटा के बस दोनों वायर्स को किसी लिक्विड में डुबो देना है। अगर वो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेगा तब यहां पर बल्ब जल जाएगा, अगर वो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं करेगा तो यहां पर बल्ब नहीं जलेगा। समझ गए? सिंपल सी चीज थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी? आप क्या कर सकते हो, यहां पर जहां पर बैटरी लगी हुई है ना, वहां पर आप छोटे छोटे सेल्स लगा सकते हो। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स बैटरी की तरह ही होते हैं, लेकिन वो छोटी बैटरी होती है, ठीक है, उसमें भी प्लस माइनस होता है, बिल्कुल बैटरी की तरह होती है, लेकिन उसको हम सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा कम पावर होता है, ठीक है। तो आप जब भी लिक्विड्स को टेस्ट करो कि लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, हम बैटरी की जगह किस चीज का यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। समझ में आया? ऑल्सो बिफोर यूजिंग टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। टेस्टर को आगे हम अलग अलग लिक्विड्स चेक करें, इससे पहले हम ये चेक कर लें कि क्या टेस्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या जो हमने टेस्टर बनाया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पहले ये चेक करना होगा। और उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 14.1। इस एक्टिविटी से हम चेक करेंगे कि जो टेस्टर हमने क्लास सिक्स में बनाया था, ये टेस्टर पहले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखना, आपको पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। Join the free ends of the tester together for a movement. आपको क्या करना है, ये जो free ends है, ये जो पूरा tester है, इसमें जो ये wire है और ये wire है, इसको हम free ends of tester कहते हैं, ठीक है। तो ये जो free ends है, इन
फ्री एंड्स को हम इस जो ये जो टेस्टर दिख रहा है आपको, ये जो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, इस स्क्रू ड्राइवर में टच कराएंगे जिससे ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है, फिर बल्ब कनेक्टेड है, फिर बल्ब से आकर ये स्क्रू ड्राइवर से कनेक्टेड है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। जब हम इस वायर को इस टेस्टर में, इस जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे, तो हम देखेंगे ये बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टेस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है। हाउएवर, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये बल्ब नहीं जलता तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है, जो आपको ये जॉइंट्स दिख रहे हैं जहां जहां पर तार जोड़े गए हैं, इन जॉइंट्स को चेक कर लेना, क्या ये जॉइंट्स टाइटली जोड़े गए हैं या नहीं जोड़े गए हैं। अगर ये भी ठीक ठीक हो तो आप क्या कर सकते हो, इस बैटरी को चेंज कर सकते हो। अगर बैटरी भी चेंज करने के बाद ये बल्ब नहीं जल रहा, ये टेस्टर काम नहीं कर रहा, तो आप बल्ब को चेंज कर लो, आपका टेस्टर काम करने लग जाएगा। बस यही हमें इस पूरी एक्टिविटी में करना था। समझ आया एक्टिविटी 14.1 किस लिए था? हमें ये चेक करने के लिए था कि जो टेस्टर है वो काम करता है या नहीं करता। अब एक बार, नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। अब जब एक बार हमारा टेस्टर काम करने लग गया है तो हम क्या करेंगे, अब हम इस टेस्टर का यूज करके, किस टेस्टर का यूज करके, इस वाले टेस्टर का, ये जो टेस्टर देख रहे हो सेम इसी टेस्टर का हम यूज करेंगे। और क्या करेंगे, हम अलग अलग लिक्विड्स, वेरियस लिक्विड्स को चेक करेंगे कि उन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या उन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। यहाँ पर कुछ वार्निंग दिया गया है आपको कि व्हाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड्स, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। जो ये टेस्टर है, इस टेस्टर की ये जो दोनों वायर्स हैं वो हम ज्यादा देर तक ज्वाइन करके ना रखें। क्यों? क्योंकि जितनी देर ये बल्ब जलेगा उतनी तेजी से ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, वो ड्रेन होगा, वो खत्म होगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 14.2, इस एक्टिविटी में क्या है, चलो हम बात करते हैं। इस एक्टिविटी में हम एक लिक्विड लेंगे और सेम वही टेस्टर जो हमने अलग अलग चीजों को टेस्ट करने के लिए यूज किया था, जो जिसकी फिगर अभी मैंने दिखाया था, सेम उसी टेस्टर को यूज करके हम टेस्ट करेंगे कि अलग अलग लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। चलो तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक्स और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। क्या कर सकते हो, कोको कोला का बॉटल देखा है, बॉटल का जो ऊपर कैप होता है, कैप लो और कैप को अच्छे से साफ कर दो, क्लीन कर दो। उसके बाद क्या करो, पोर 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 cap, जो वो आपने कैप रखा है, जो अभी आपने कोको कोला का ढक्कन निकाला, उस कैप में क्या रखो, या तो लेमन जूस रखो या विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका, रख दो थोड़ा सा। उसके बाद क्या करो, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इन टू अ लेमन और विनेगर। आपको क्या करना है, जैसे ये फिगर दिख रहा है आपको, ऐसे ये जो बॉटल है, बॉटल के कैप में सेम ऐसे ही लेमन जूस ले लेना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने टेस्टर बनाया था, देख रहे हो आप, ये टेस्टर कुछ इसी तरीके का तो दिख रहा है ना। यहाँ पर बैटरी हम लगाएंगे, ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे, ये ऑलरेडी बल्ब तो है ही यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वायर्स हैं इनको और ये जो वायर्स हैं इनको, इन दोनों को हम लेमन जूस में डिबो देंगे। ठीक है, अगर लेमन जूस अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है तब तो ये बल्ब जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है, ये जो लेमन जूस है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देता है तब तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर इस लेमन जूस से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब आप बताओ, क्या बताओ कि डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लेमन जूस, क्या नींबू का रस या सिरके में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है?
हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? आप इस लेमन जूस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? जब आप ये टेस्ट करोगे ना, आप देखोगे कि जैसे ही हम इन दोनों वायर्स को इन लेमन जूस में डुबोते हैं, ये बल्ब जल जाता है, ये बल्ब ग्लो कर जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो लेमन जूस है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके थ्रू बिजली पास आउट हो सकती है। अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है भैया कि लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लेमन जूस हो गया या विनेगर हो गया, इन दोनों के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देते हैं या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चाहे कोई भी एसिड हो गया, वो हमेशा ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। समझ गए? तो जब हम इस बॉटल के कैप में लेमन का जूस रखेंगे तो हम देखेंगे ये बल्ब जल रहा है। और क्यों जल रहा है? क्योंकि जो ये लिक्विड है, ये जो लेमन जूस है, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने दे रहा है। तो ये एक्टिविटी भी हमारी सक्सेसफुल हो गई। ओके, अब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द करंट टू पास। अगर ये जो लिक्विड है, ये जो पूरा टेस्टर है, टेस्टर का एक एंड ये होता है और टेस्टर का दूसरा एंड ये होता है, इन दोनों एंड के बीच में ये जो लिक्विड है, जैसे यहां पर कौन सा लिक्विड है, यहां पर लेमन जूस का यूज किया गया है, अगर इन दोनों एंड्स के बीच में ये जो लिक्विड है, अगर ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देता है, तब क्या होगा? तब ये जो पूरी सर्किट है, जो यहां से इस बैटरी के इस टर्मिनल से निकली है, ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब तक पहुंचेगा, जिससे ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं पर व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, अगर ये जो लिक्विड हमने यहां पर यूज किया है, अगर ये लिक्विड अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होने देगा, क्या ये जो लिक्विड हमने यूज किया है, अगर ये लिक्विड अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, तो ये सर्किट जो यहां से निकली है वो यहीं पर आके रुक जाएगी, जिससे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस पूरे एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चला है, अगर लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये टेस्टर हमें बता देगा कैसे ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर ये जो लिक्विड है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तब भी ये बल्ब हमें बता देगा कैसे, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। समझ गए? तो आई थिंक आपको ये पूरा फेनोमेनन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे कि इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। हो सकता है कई ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जिन सिचुएशंस में जो ये लिक्विड यहां पर यूज हुआ है, ये लिक्विड तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? चलिए आइए देखते हैं। इट मे हैपन इन द एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी द रीजन? आप जब ये एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी 14.2, इस एक्टिविटी में आपको ये दिक्कत हो सकती है कि ये लिक्विड तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? चलो आगे हम देखते हैं। देखो, डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज वेन द इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू इट? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? जैसे देखो, एक बल्ब है, ये बल्ब क्यों जलता है? क्यों इस बल्ब से लाइट निकलती है? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। ये जो बल्ब है, इस बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब बिजली आती है, तो ये जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये जो पतली सी तार दिख रही है आपको, ये जो फिलामेंट है, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ग्लो करने लग जाता है। फिर से देखो, ये बल्ब कैसे जलता है? कोई भी बल्ब, जब किसी भी बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, जब इलेक्ट्रिक करंट यहां पर पहुंचता है, तो ये जो बल्ब का फिलामेंट है, ये जो पतली सी तार है, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाती है, इतना ज्यादा हीट हो जाती है कि ये ग्लो करने लग जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हमारा बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? हाउएवर, इफ द करेंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर ये जो बल्ब, ये जो पूरी सर्किट है, मतलब यहां पर बल्ब लगी हुई है,
ये जो पूरी सर्किट है, इस पूरे सर्किट में अगर करंट बहुत कम है, आपने देखा होगा आपके घरों में भी कभी कभी क्या होता है, लाइट बहुत कमजोर होती है तो बल्ब नहीं जलते हैं, या जलते भी हैं तो बहुत हल्का सा, ठीक है। तो क्यों होता है ये ऐसा? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो पूरी सर्किट है ना, इस सर्किट में हो सकता है उतने अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट ना आ रही हो, और जब सफिशियंट अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब तक नहीं पहुंचेगा तो ये बल्ब हीट नहीं होगा, और जब बल्ब हीट नहीं होगा तो बल्ब में जो ग्लोइंग इफेक्ट आता है, जो बल्ब जलने लगता है, वो बल्ब जलेगा नहीं। देखो यहां पर यही लिखा गया है कि हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर किसी भी सर्किट में करंट जो पास आउट हो रहा है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो जो बल्ब के फिलामेंट हैं, जो बल्ब के पतले से तार होते हैं, वो हीट नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इट डज नॉट ग्लो, और जब वो पर्याप्त मात्रा में हीट नहीं होगा तो वो अच्छे से जलेगा भी नहीं। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी बल्ब तभी जलता है जब उसमें सफिशियंट अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा हो, मतलब किसी भी बल्ब तक अगर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट, बिजली पहुंच रही है तो वो जो बल्ब है उसका फिलामेंट गर्म होगा और जिससे वो बल्ब जलने लग जाएगा। लेकिन जब बल्ब नहीं जलेगा तब हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है बहुत कमजोर हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रिसिटी कमजोर क्यों हो सकती है, क्यों हमारा इलेक्ट्रिक करंट वीक हो सकता है? चलो हम इसको जानते हैं, मतलब क्या कारण होते हैं कि अगर ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी रही है फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? चलो आइए आगे हम पढ़ते हैं कि वेल दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम ये जानते हैं कि कोई भी मटेरियल है अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके थ्रू बिजली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट तो होगा, लेकिन इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजली एज अ मेटल, लेकिन हो सकता है जितने अच्छे से जो मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितने अच्छे से मेटल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं उतने अच्छा और कोई मटेरियल पास होने नहीं देता है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। As a result, the circuit of the tester may be complete, और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके result, जो पूरा circuit है tester का, वो तो हमें तो दिखेगा कि वो पूरी तरीके से complete है, लेकिन फिर भी उस circuit में जो current होगा, वो इतना कमजोर होगा कि bulb नहीं जलेगा। Can we make another tester which can detect a weak current? हमने जो ये tester था, ये tester तो fail हो गया। क्यों fail हो गया? क्योंकि ये tester केवल तभी काम करता है जब हमें sufficient amount में electricity मिल रही हो। जब sufficient amount में electricity मिलेगी तो bulb जल जाएगा, लेकिन वहीं पर हमें अगर पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलेगी, electricity नहीं मिलेगी, तो bulb नहीं जलेगा, ठीक है। तो क्या हम किसी weak current, कमजोर इलेक्ट्रिक करंट्स को भी टेस्ट करने के लिए हम कोई टेस्टर बना सकते हैं क्या? चलो अब हम आगे वही पढ़ेंगे, ये जो पूरी एक्टिविटी है ये वीक करंट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर बनाया गया है। कैसे बनाया गया हम वो इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि यू मे यूज एन एलईडी, फिगर 14.3 में आप देख सकते हो एलईडी कैसे होते हैं। आपने दिवाली में ऐसी एलईडीज तो देखी ही होंगी, झालर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब In the tester of the figure 14.2, LED glows even when a weak electric current flows through it. चलो यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है कि अगर अगर ये बल्ब जो है, अगर ये जो लिक्विड है, अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा, तो आप क्या करोगे, इस बल्ब की जगह जो छोटी छोटी LED होती हैं वो यूज करो। एलईडी क्या होता है, एलईडी एलईडी में कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से अगर हल्का फुल्का भी इलेक्ट्रिसिटी इस एलईडी तक पहुंच रही है तो ये एलईडी जल जाएगा और हमें बता देगा कि हाँ ये जो लिक्विड है ये कंडक्टिंग लिक्विड है, हाँ इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है। यहाँ पर एलईडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि देयर आर टू वायर्स जिसे हम लीड्स कहते हैं। देख रहे हो इस एलईडी में, इस जो छोटे छोटे बल्ब है इसमें दो तरीके के वायर्स निकले हुए हैं, एक ये और एक ये। इन वायर्स को हम लीड्स कहते हैं और ये जो लीड्स है ये एलईडी से अटैच रहता है। ये देख रहे हो एलईडी, एलईडी से अटैच है ये दोनों वायर्स। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर,
एक लीड जो होता है वो दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे देख रहे हो ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। ये वाला देख रहे हो, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। ये देख रहे हो, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। ऐसा क्यों होता है? रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम जानते हैं बैटरी में दो साइड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ये जो लॉन्ग वाला, ये जो लंबा वाला वायर है, इसको हम पॉजिटिव से अटैच करेंगे और ये जो छोटा वाला वायर है इसको हम निगेटिव से अटैच करेंगे। तो यहां पर हमें एलईडी के बारे में बताया गया था, एलईडी वीक करेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, जहां पर कमजोर इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है वहां पर भी ये एलईडी ग्लो कर जाता है, ये एलईडी जल जाते हैं। समझ गए? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कि वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। अभी तक जो हमने पहला टेस्टर बनाया था उस टेस्टर से केवल स्ट्रॉन्ग करंट को डिटेक्ट किया जा सकता था, केवल जो ऐसे करंट जो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है उन करंट को हम यहां पर डिटेक्ट कर सकते थे। कैसे? जब इस बैटरी से करंट इस बल्ब तक पहुंचता था तो ये जो बल्ब का फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाता था और ये बल्ब जल जाता था, ये बल्ब ग्लो हो जाता था। सेम ऐसे ही हम एक दूसरा टेस्टर बनाएंगे जिससे जो वीक करेंट्स हैं, जो कमजोर इलेक्ट्रिक करंट से, उनका पता लगाया जा सके। अभी तक जो हमने टेस्टर बनाया था उससे केवल स्ट्रॉन्ग करंट को डिटेक्ट किया जा सकता था, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स को पता लगाया जा सकता था। अब हम एक ऐसा टेस्टर बनाएंगे जिससे कमजोर इलेक्ट्रिक करंट्स को भी पता लगाया जा सके, और इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के एक और इफेक्ट का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे हमने जो पहला वाला टेस्टर बनाया था वो हमने किस प्रॉपर्टी पे बनाया था? वो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बनाया था। अब जो हम टेस्टर बनाने वाले हैं वो भी हम एक प्रॉपर्टी पे ही बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जहां से भी फ्लो होता है वो अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने अगल बगल चुंबकीय आकर्षण क्रिएट करता है। चुंबकीय आकर्षण का मतलब जानते हो? आपने देखा होगा जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, उसके अगल बगल हम जैसे ही लोहे को ले जाएंगे वो चिपक जाते हैं। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जिन वायर्स से होकर गुजर रहा है या जिन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर उन वायर्स के अगल बगल हम कंपास को ले जाएंगे, कंपास मतलब जानते हो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है उसे हम कंपास कहते हैं। जैसे ही हम किसी वायर्स, जिन वायर्स से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम किसी वायर्स के आसपास कंपास को ले जाएंगे तो जो उस कंपास की निडिल होती है, जो सुई होती है जो हमें बताती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो क्या होता है, वो तुरंत डिफ्लेक्ट करने लगता है। ये देखो, इवन इफ द करेंट इज स्मॉल, अगर उस वायर में जो करेंट है वो बहुत कमजोर हो, बहुत वीक भी होगा ना, तब भी जो कंपास की सुई है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी, वो इधर उधर नाचने लगेगी, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अगल बगल क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। और मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देखा जा सकता है? बहुत सिंपल सी चीज थी, अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट वीक इलेक्ट्रिक करंट हो, उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम कंपास लेंगे, कंपास को हम वायर के बगल में रखेंगे, हम देखेंगे जो कंपास की निडिल है, जो कंपास की सुई है, वो ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर जा रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्या हम इलेक्ट्रिक करंट की जो ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी लोहे से बनी चीजों को अगर हम वायर के अगल बगल ले जाएं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है? तो हम इस चीज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम एक दूसरा टेस्टर बनाएंगे जिस टेस्टर से हम ये टेस्ट करेंगे कि किसी वीक करंट को कैसे पता लगाया जा सकता है। ओके, अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 14.3। इस एक्टिविटी में क्या है, बहुत ध्यान से देखना।
टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. आपको क्या करना है, एक कोई खराब माचिस का डिब्बा हो, उस माचिस के डिब्बे से जो अंदर का ट्रे होता है, कुछ ऐसा होता है ना, उसको निकाल लो. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे. अब क्या करो, ये जो माचिस का डिब्बा है ना, इसके अगल बगल तार, ऐसे जो वायर्स हैं, उनको रैप कर दो, उन्हें लपेट दो 3-4 बार. उसके बाद क्या करोगे, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट. देखो इस माचिस के डिब्बे के अंदर एक कंपास रखा गया है, बिल्कुल ऐसे ही तुम भी एक कंपास उस माचिस के डिब्बे के अंदर रख दो. नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब क्या करना है आपको, जो आप यहां पर वायर्स को रैप करोगे, लपेटोगे, तो उसका जो एक छोर बचेगा उसको तुम क्या करो, बैटरी के एक एंड से कनेक्ट कर दो. जैसे देखो हमारी ये क्या है, हमारी ये है बैटरी. बैटरी के एक एंड से हमने इस माचिस के डिब्बे को वायर लगा के कनेक्ट कर दिया. अब आपको क्या करना है, लीव द अदर एंड फ्री. अब जो ये वाला एंड है, इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो, यहां पर ऐसे तार लगा के ऐसे ही खुला छोड़ दो. अब क्या करना है आपको, टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एक दूसरी तार लो, एक दूसरा वायर लो, और बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल है, दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक होता है हमारा माइनस और एक होता है हमारा प्लस. तो जो प्लस वाला है उसको तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, जो माइनस वाला टर्मिनल है उसके लिए आप क्या करोगे, एक वायर लो और बैटरी के इस एंड को भी ऐसे कनेक्ट करके यहां पर लाके वायर को छोड़ दो. अब हमारे पास दो फ्री एंड्स हो गए, एक फ्री एंड ये हो गया और एक फ्री एंड ये हो गया. हमने देखा कि ये पूरा जो वायर है वो यहां से ऐसे लपेट लपेट के बैटरी के इस एंड पर आके जुड़ा हुआ है. सेम ऐसे ही बैटरी के इस वाले एंड से एक वायर यहां पर आया है और ये यहां पर आके जुड़ गया है. अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये आपका पूरा टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसके लिए क्या करोगे, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटरली. आप क्या करो, ये वायर और ये वायर, इसको एक बार टच करा के देखो. आप जैसे ही टच कराओगे, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन. जो ये कंपास नीडल है वो एक बार इधर इधर होगा. जब जैसे ही ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो समझना ये आपका पूरा टेस्टर काम कर रहा है. अब ये टेस्टर रेडी है किस चीज के लिए, अलग अलग लिक्विड्स को हम यहां पर रख के चेक कर सकते हैं कि इस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि इस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो रहा है. हमने पहले टेस्टर में देखा था कि अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था तो बल्ब जल जा रही थी. यहां पर हम देखेंगे कि अगर किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है. जो दूसरा वाला, जो हमने ये वाला टेस्टर बनाया है, ये वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए है, किसी कमजोर इलेक्ट्रिक करंट को पता लगाने के लिए है. और जो हमने पहला वाला, जो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो हमने टेस्टर बनाया था, वो स्ट्रॉन्ग करंट्स को पता करने के लिए था. ठीक है, आगे चलते हैं हम. योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी. अब आपका ये जो पूरा टेस्टर है वो कंप्लीट है. इसके दो फ्री एंड्स हैं, यहां पर आप अलग अलग टाइप के लिक्विड्स को चेक कर सकते हो. जैसे आप क्या करो, आप जो टैप वाटर हो गया, आपके जो टैप से पानी आता है, एक बार इस पानी को यहां पर लाओ और इन दोनों वायर्स को इसमें डुबो दो. देखो ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. अगर निडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. वहीं पर और भी सारे लिक्विड्स का यूज करो, जैसे तुम खाना बनाने वाले तेल का यूज कर सकते हो, दूध वहां पर रख के देख लो. यहां पर क्या करो, यहां पर दूध ला के रख दो और इन दोनों वायर्स को इसमें डुबो दो. ठीक है, आप देखो क्या ये डिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तब तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इस पूरे सर्किट में, मतलब दूध से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है. अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो मतलब मिल्क से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता. तो आप अलग अलग लिक्विड्स को यहां पर लाके चेक कर सकते हो. लेकिन याद रहे कि जैसे तुमने एक बार एक लिक्विड में डुबो दिया दोनों वायर्स को, उसके बाद आपको वॉश करना है और वाइप उसको सुखा देना है, ताकि जब अगली बार अगली लिक्विड में आप डिप करो तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो बहुत एक्यूरेट आए, बहुत करेक्ट आए. ठीक है, इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट. आप अलग अलग लिक्विड्स को यहां पर
पर रख के देखो और हर बार देखो कि क्या ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये जो लोहे की सुई है यहाँ पर, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। तो ये भी हमारी एक्टिविटी काफी आसान थी। एंड अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार हमारे अदर चैप्टर की वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।